ओहो, तो आप यहां हैं और मैं आपको बाला खाने पर तलाश कर रहा था, और आप यहां जीने के पास सब्ज सब्ज दूब पर बैठी हैं। वल्ला, अगर आप इजाजत दें तो जरा यहां की मंजर कशी का नमूना पेश करो। उफ। वो देखिए, आफताब रक्स में है, खुश रंग मक्खियां हिना के फूलों पर बैठी रसीले राग गा रही हैं। शाही बलूत पर एक छोटा सा परिंदा बैठा सुरीली सीटियां बजा रहा है। ऐसा लगता है मेरी नाकाम जिंदगी पर नौहा कर रहा है। खामोश रहिए। इस वक्त मुझे ऐसी बातें नहीं सुननी कैप्टन फिक्री। इंसान नाकाम तब होता है जब वो फरार चाहता है। आप कुछ आजुर्दा सी नजर आ रही हैं। आप मेरा दर्द जानते हैं कैप्टन। आपने दादी से वालिद मोहतरम को खत क्यों लिखवाया? इसकी क्या जरूरत थी? ओहो, तो इसलिए नाराज हैं आप, और मुझे एहसास है कि इस वक्त आपकी आंखों में थोड़ी नमी है। देखो रूही, मैं ये नमी नहीं देख सकता। अब बखूबी जानती हैं मुझे मुझे ये आंसू गवारा नहीं। बेहतर नहीं कि इस वक्त आप मुझसे कोई बात न करें। तो आप मुझसे नाराज हैं? मेरी कोई खता है तो तुम मुझे माफ कीजिए। देखिए रूही, मेरा मकसद किसी भी सूरत में आपके दिल को दुखाना नहीं है। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है कैप्टन? और आप इस कदर मेरी शादी पर जोर क्यों दे रहे हैं? मुमकिन हो तो इस वक्त मुझे तन्हा छोड़ दीजिए। मुझे तन्हाई की सख्त जरूरत ना है। ना, ऐसा ना कहिए रूही। रूही, मैं इस वक्त आपको तन्हाई की सजा नहीं दे सकता। अब जो भी है मुझसे कहिए, अपना गम हल्का कीजिए। मैं क्या कहूं कैप्टन? मुझे यकीन आपसे गिला है। दादी से खत लिखवाने की क्या जरूरत थी? वो मैम, आप कैसे यकीन से कह सकते हैं कि मैं एक अजनबी के साथ शादी करके खुश रहूंगी, जबकि मैं उसे ज्यादा जानती भी नहीं? मैंने मैंने आज तक हमेशा आपको आपको ही अपना सच्चा खैरखा और हमदर्द समझा है। मैं जानता हूं, हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और हमेशा मोहब्बत करते रहेंगे। लेकिन लेकिन रू इस वक्त लफ्ज मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे? अरे कभी कभी लफ्ज भी साथ नहीं देते रूही। खैर, इस वक्त मैं इजाजत चाहूंगा, लेकिन ख्याल रहे, आप हम सब के लिए बेशकीमती हैं। अपना अपना ख्याल रखिएगा। इजाजत है। कितनी खूबसूरत आवाज है, क्या दर्द है, एक चुभन सी दिल में उतर जाती है। ये मैं हूं। मैं का कोई नाम तो होगा। ये मैं हूं। मैं का कोई नाम नहीं, मैं एक तस्वीर हूं। किसी को नजर आ जाती हूं, किसी को नहीं। तस्वीर? लेकिन ये किसकी तस्वीर है? मोहब्बत, हमेशा जिंदा रहने वाली मोहब्बत। क्या
क्या मेरी जिंदगी में मोहब्बत है? मोहब्बत तो सबकी जिंदगी में होती है, कोई देर से पहचानता है तो कोई जल्दी, कोई इतनी देर लगा देता है कि जिंदगी खत्म ही हो जाती है। जिंदगी जिंदगी के किस मुकाम पर हूं मैं? मुझे देर हो गई है या मैं मोहब्बत तक पहुंच गई हूं? अभी दोनों के दरमियान वक्फा है, लेकिन ये लम्हा तुमको तय करना है। ये तखातुब तो कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो? शादी बच्चों का खेल नहीं है, मगर बच्चे इस बात को नहीं समझते। आज के बच्चों का ये हाल है कि अपने मयार को भी नहीं समझते। किसी ने सच कहा है, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। अरे रोही, खुदा न खास्ता, आपकी तबीयत तो ठीक है? जी दादी। बाला खाने से उतरकर आपकी सवारी कहाँ जा रही है? सोच रही थी कुछ देर पाई बाग में आराम करूं। बेहतर सोच, किसने रोका है? फूलों की खुशबू और हवाओं के दरमियान आराम करो। रूही, लेकिन मैं देख रही हूं कि इन दिनों आप कुछ ज्यादा ही फिक्रमंद रहने लगी हैं। इस उम्र में ख्याल को आजाद छोड़ो तो खाली दिमाग शैतान का घर बन जाता है। रूही, खुद को मसरूफ रखो, दिल बहलेगा। जी दादी। अच्छा मैं चलती हूँ। ठीक है। अरे मैं ये तो बताना भूल ही गई कि कैप्टन आए हुए हैं। दादी। अरे नाम लिया और हाजिर। आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ, ये भी खूब रही। आप देख ही रहे हैं। हाँ अच्छा। आप दोनों बात कीजिए, मुझे काम याद आ गया। जी रूही, क्या बात है, आज फिर आप अफसरदा नजर आ रही। मुझे लगता है दुश्मनों की नजर लग गई आपको। कुछ सोच रही थी, कुछ बताना चाहती थी आपको। मुझे? जहे नसीब, बताइए ना। कोई खास बात नहीं, फिर भी दिल चाहता है कि आपसे कुछ भी छुपा न रखूं। हो, खुश नसीबी मेरी। एक तस्वीर निगाहों से शोखी करती है, किसकी तस्वीर नहीं जानती, आंख खुलते ही तस्वीर गायब हो जाती है, मेरी हैरानियां रह जाती हैं। कोई तो होगा। पता नहीं। कोई आर्मी से? नहीं कह सकती। अरे यहां अक्सर आर्मी के जवान आते हैं, इनमें से कोई। आप बार बार आर्मी का नाम क्यों ले रहे हैं? भाई मेरा ख्याल है आपकी पसंद में आर्मी के नौजवान हो सकते हैं, इनमें बला की जहानत होती है, चेहरे पर वकार होता है। पता नहीं, लेकिन कोई है, कौन है समझ में नहीं आता। मुझे आर्मी के लोग पसंद हैं, वैसे आप भी तो आर्मी के हैं। अरे रूही भाई, मेरी तो उम्र गुजर गई, हाय जिंदगी इंतजार में गुजरी, इस इंतजार का कोई नाम भी तो नहीं है। लेकिन ये वक्त भी कहाँ ठहरता है। छोड़िए, अभी आपकी कोई ऐसी उम्र भी नहीं हुई, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो हयोला किसका है। प्यारी रूही, ये बहुत ही टेढ़ी खीर है, आप अपने मंसूब से राजी नहीं
और उस शख्स पर मरती हैं जिसका निशान भी आप ठीक ठीक बता नहीं सकती। और इस पर तुर्रा आपकी दादी का मिजाज है, उनसे किसी भी किस्म की रहम की तवक्को रखना फिजूल है। रूही, खुदा आप पर रहम करे। देखिए, बेहतर यही है कि आप अपने दिल को संभालें और शहबाज की बीवी बने। आप बहुत संगदिल हैं कैप्टन। हाँ? काश आपकी शादी किसी ऐसी औरत से हो जो आपसे नफरत करती हो। मेरी दिली दुआ है, फिर आपको मेरी कैफियत मालूम हो जाएगी। रूही, ये दुआ कभी कबूल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मुझे शादी करनी ही नहीं है। हाँ। या अल्लाह, रूही को तो बहुत तेज बुखार है। मैं रूही को लेकर बहुत फिक्रमंद हूँ। इन दिनों खामोश भी रहती है। पहले क्या कम खामोश रहती थी? नहीं, लेकिन इन दिनों उदासी कुछ ज्यादा ही चाहिए। ऐसा मुझे नहीं लगता। शादी होने वाली है, इस मौके पर लड़कियां अक्सर फिक्र ख्याल में खो ही जाती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि रूही? क्या मतलब? शहबाज अच्छा लड़का है, लेकिन हमने इस बाबत कभी रूही से राय नहीं ली। आए तो क्या बच्चियों से उनकी राय पूछेंगे? हाँ, इतना जमाना बदल गया। मेरा मतलब ये नहीं था। खैर, अभी देख कर आ रहा हूं, बुखार काफी है। शाम में डॉक्टर आएंगे, मगर रूही की उदासी मुझे परेशान कर रही है। अच्छा, भला आपके पास इतना वक्त कब से हो गया कि किसी की खामोशी परेशान करने लगे? अफसोस, मसरूफियत, क्या कहूं। लेकिन रूही के मिजाज में ये उदासी अच्छी नहीं लगती। ओ मेरी जान रूही, भाई सुना है डॉक्टर आए थे। अच्छा, अब क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ दवाइयां दी हैं बस। बस? अच्छा, ये बरकी पंखा खोल दो। यहाँ गर्मी काफी है और मुझे बुखार भी। आपको कमरे में गर्मी महसूस होगी। हाँ, लेकिन दिल नहीं चाहता कि आपको तन्हा छोड़ दूँ। आप तो बड़े हमदर्द निकले कैप्टन। देखिए, तंज ना कीजिए। मेरी अलालत के जिम्मेदार आप लोग हैं। चलिए मान लेता हूं, लेकिन रूही भाई कभी तो शादी होगी ना, और आपने कभी बताया भी नहीं कि आखिर आपको किससे मोहब्बत है। एक बात जान लीजिए कैप्टन। क्या? मैं आपको अपना हमदर्द, खैरखा और बुजुर्ग ख्याल नहीं करती। खैर, मुझे लगता है कि आज आप कुछ ज्यादा ही मुहम्मे में उलझ रही हैं। मेरा ख्याल है मैं किसी से मोहब्बत नहीं करती। ये गलत है। अगर मैं आपको आपके महबूब का नाम बता दूं तो आप मुझे माफ कर देंगी? अच्छा, तो आपको किस पर शुबा है? सच बता दूं? इस कदर राजदारी की जरूरत भी नहीं। अच्छा, देखो रूही, मुझे शुबा है कि आप मुझसे मोहब्बत करती हैं। अरे इलाही, रूही प्लीज रूही, अरे रूही रूही, देखो मैं आपसे माफी मांगता हूँ। प्लीज रूही, मुझे माफ कर दो। प्लीज रूही। अरे वाह कैप्टन, आप भी यहाँ हैं।
पता है आपकी मौजूदगी से मेरी पोती बहल जाती है। हाँ वो बुखार में कमी है। जी हाँ, डॉक्टर ने दवा दी है, इंशाल्लाह कल तक बुखार उतर जाएगा। दादी अब मैं ठीक हूँ। खुश रहो, ताज़ा फल खाओ, बाग में टहलो, मजाहिया किताबें पढ़ो और दिल को काबू रखो, समझी? अच्छा कैप्टन जी, एक बात बताइए। जी 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 फरमाइए। क्या आपने कभी रूही के ख्यालात जानने की कोशिश की? जी मैं इस बारे में क्या कहूँ। अरे कुछ तो आपके इल्म में होगा। जी मेरा ख्याल है कि साहबजादी रूही को शहबाज से मोहब्बत नहीं है। हाँ अच्छा, मैं इस बारे में रूही के वालिद से बात करूंगी। जी। और हाँ, रूही के वालिद भी आपको याद कर रहे थे। मुझे? अच्छा ठीक है, तो मैं अभी उनसे मिलता हूँ। हाँ जाइए। जी कैप्टन। आपको देखकर जी खुश हो जाता है। जी मैं आपका बहुत ममनून हूंगा अगर आप मेरी कुछ मदद करें। मैं ठीक है, मैं हाजिर हूं। क्या आप मालूम कर सकते हैं कि रूही के दिल में क्या चल रहा है? जी वैसे तो किसी के दिल का हाल पढ़ना मुश्किल है। मेरा दिल चाहता है कि रूही को उस शख्स के सुपुर्द करूं जिससे वो मोहब्बत करती है। ठीक है, लेकिन फर्ज कीजिए वो किसी ऐसे शख्स को पसंद करती हो जिसे आप ना पसंद फरमाते हो। नहीं नहीं नहीं, वो ऐसे किसी शख्स से नहीं मिलती जिसे मैं पसंद नहीं करता। इसलिए बज़ाहिर मुझे ये उम्मीद नहीं वो किसी ना पसंदीदा शख्स में कोई दिलचस्पी लेगी। फर्ज कीजिए जो 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 मैंने कहा है वो सही हो तो? फिर मैं उसे नरमी से समझाऊंगा। क्या आप अपनी लड़की को इजाजत देंगे कि वो अपने मुंतखब शख्स से शादी कर ले? क्यों नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं, मगर ये तो पता होना चाहिए कि वो शख्स कौन है। ठीक है, तो फिर मुझे अर्ज करने दीजिए। रुक क्यों गए, बोलिए। जी मेरा ख्याल है ये शरफ बंदे को हासिल है। पाक खुदा, ये क्या फरमा रहे हैं आप? मेरी फूल जैसी बच्ची और आप? अब मैं इस बारे में क्या कहूं। 40 साल का मर्द बूढ़ा नहीं होता, मगर प्यारे कैप्टन जरा आप इस बारे में गौर तो करें। देखिए कुछ बातों की वजाहत मुमकिन नहीं है। फिर भी इसकी हैसियत महज रुमान की हुई। देखिए मैं आपसे मुअद्दबाना रूही के दस्ते मोहब्बत के लिए दरख्वास्त करता हूँ। गोया आप रूही का हाथ मांग रहे हैं? जी, और मेरा ख्याल है ये मुनासिब है। मैंने आपको हमेशा अपना दोस्त समझा, लेकिन ये मामला कुछ समझ में नहीं आया। ये कैसे मुमकिन है कैप्टन जी? क्या आप इसको मोहब्बत कहेंगे? जी मेरा ख्याल है ये मोहब्बत ही है। मुझे सोचने दीजिए, अभी इस बारे में मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता। रूही की जिंदगी का मामला है जी। आपने मुझे नई उलझन में डाल दिया है। मैं इस बारे में रूही से बात करूंगा। जी 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 जरूर कीजिए, मैं आपसे बेहतर तवक्कात रखता हूँ। अजीज मन, मैं सचमुच उलझ गया हूँ। मेरा ख्याल है
रूही से गुफ्तगू के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंच पाऊंगा। ठीक है, यही बेहतर होगा। अच्छा तो मुझे इजाजत दीजिए। मैं अब तक नहीं समझ सकी कैप्टन ने ऐसा क्यों कहा। जबकि शहबाज से उसका रिश्ता तय हो चुका था और मैं समझता था कैप्टन मेरी बच्ची को समझाएंगे। हाँ। मगर कैप्टन अपने दिल की बात लेकर बैठ गए। मैंने रूही से इस बारे में जानना चाहा, मगर वो कुछ बोलती नहीं। मेरा ख्याल है वो इस रिश्ते को पसंद नहीं करती। किस रिश्ते को, शहबाज या कैप्टन? वाहियात सवाल। अरे रूही कैप्टन को पसंद नहीं करती, कैप्टन से उसका क्या मेल है? हाँ हाँ, कैप्टन ने उसकी तालीम में दिलचस्पी ली, ये हैसियत एक उस्ताद की है। बेशक वो उम्र में भी काफी बड़े हैं, बल्कि रूही से दुगनी उम्र के। इसीलिए शहबाज से शादी ही मुनासिब है। अब हमें शादी के इंतजाम में ताखिर नहीं करनी चाहिए। मोहतरमा, आप कौन हैं? मैं नहीं जानता। आपको इस गेस्ट हाउस का पता किसने दिया? यूं समझ लीजिए, हवा और खुशबू से पूछा। देखिए, मैं रोमानी आदमी नहीं, माफ कीजिएगा, और शेर व शायरी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा, और मैं भी नहीं। मैं किसी की दिलाजारी नहीं करता। एक हसीन लड़की आपसे इन वादियों में मिलने आई है और आप हैं कि झूठी शान दिखा रहे हैं। ये झूठी शान नहीं मोहतरमा, बराए मेहरबानी आप अपनी यह मोहब्बत कहीं और जाया करें। खुदा के वास्ते चले जाए यहां से। जाती हूं, देख लूंगी, आपको बदनाम करके रहूंगी मैं। जो मर्जी कीजिए, मगर जाइए यहां से। अम्मी। जी बेटा। शहबाज के बारे में जो खबर मिली है वो अच्छी नहीं है। गेस्ट हाउस में एक लड़की उससे मिलने आई थी, दोनों ने काफी वक्त साथ गुजारा। ये भी खबर है कि शहबाज अक्सर उस लड़की से मिलता रहता है। लेकिन शहबाज का कहना तो कुछ और है। शहबाज कहते हैं ये उनके खिलाफ साजिश है। अच्छा। ओहो, तो आप इन वादियों में मिलेंगी? भाई ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आप तो भूल ही गए कैप्टन, आपको भला मेरी कहां परवाह। अरे हम सब आपके लिए दुआएं मांग रहे हैं। मैं इतना जानती हूं कि मुझे धोखा दिया जा रहा है, आप भी मुझसे दुश्मनी कर रहे हैं। नहीं 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 रूही, नहीं। क्या आप इस बात से वाकिफ नहीं कैप्टन कि मुझे शहबाज से मोहब्बत कभी नहीं थी? क्या आप भूल गए कि आपने मेरी मदद का वायदा किया था? आपको आपको बखूबी इल्म है कि मैं शहबाज से नफरत करती हूँ। लेकिन रूही, रूही आखिर इस नफरत की वजह क्या है? देखो देखो रूही, मैं फिर कहूंगा कि आप इस शादी से खुश रहेंगी। देखिए कैप्टन, मुझे आपके मशवरे की जरूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। ओके ओके ओके, ठीक है, बेहतर है, मैं जा रहा हूं। लेकिन रूही, एक बात आपको कहना चाहता हूं, मैं आपको कभी भूल नहीं सकता। खुदा के लिए मुझे गलत ना समझे। अब शायद बिछड़ने की घड़ी आ गई है। आप सिर्फ मेरे हैं, मगर ख्याल बनकर मैं एक सैयाह की हैसियत से बाकी दिन गुजार लूंगी।
करूंगी। अब वक्त आ गया है कि एक सच्चे दोस्त की तरह हम एक दूसरे को अलविदा कहें। देखो रूही, मैं कल इस शहर से चला जाऊंगा और यकीन करो कि मुझे नहीं खबर कि अब हमारी मुलाकात होगी भी या नहीं, तो इसलिए अब हमें एक सच्चे दोस्त की तरह एक दूसरे को अलविदा कहना होगा। रूही बोलो, प्लीज बोलो। अलविदा, 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 अलविदा। ना तमाम मोहब्बत, अभी आपने हिजाब इम्तियाज़ अली के इस अफसाने का रेडियाई रूप सुना, जिसे मुशर्रफ आलम ज़ौकी ने तरतीब दिया था। हिस्सा लेने वाले फ़नकार थे शारदा गुप्ता, सुनीता शाहबादी, नरेश खन्ना, शोभना भारद्वाज, किशोर सहजानी और कमल साथी। हिदायत और पेशकश सरफराज अहमद, मुआविन मोनिका।